तो गाइज आप सभी ये बात तो जानते कि जो रोमन रेंस अभी फिलहाल जल्दी से जल्दी WWE के अंदर अपनी रिटायर नहीं करना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि पूरा टाइम वो अपनी फिलहाल अभी फैमिली को दें, उनकी प्रोटेक्शन वगैरह करें, उसके बाद आराम से WWE कंपनी के अंदर एकदम फ्रेश माइंड के साथ हमें रिटर्न करते हुए नजर आएं। लेकिन गाइज अब WWE कर सकती है फोर्स रोमन रेंस को एक बार फिर से कंपनी के अंदर जल्दी से जल्दी रिटर्न करने के लिए। अब रीजन क्या है क्यों WWE कंपनी फोर्स करने वाली है रोमन रेंस को, गाइज इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में इसके बारे में जरूर से करने वाले हैं डिस्कस। इसके अलावा बात करेंगे स्ट्रेट प्रॉफिट्स के बारे में एंड क्यों पूरा बैकस्टेज गुस्से में है स्ट्रीट प्रॉफिट्स से उनके रॉके एपिसोड के बाद, क्या सोचना है रैंडी ऑर्टन का एक्चुअली में टोमासो सैंपा के बारे में, क्यों वो करना चाहते हैं टोमासो सैंपा के साथ काम, विंस मैकमैन के हिसाब से कौन सा भी फिलहाल रॉके एपिसोड में है टॉप सुपरस्टार, एंड फॉर्मर WWE सुपरस्टार ने किया इस बात को टीज कि वो है स्मैकडाउन लाइव का मिस्ट्री हैकर। तो गाइस काफी सारी अपडेट्स आपको जरूर से इस वाले वीडियो के अंदर जानने के लिए मिलेंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो को। लेकिन गाइस हम लोग शुरू करने वाले हैं सबसे पहले विंस मैकमैन के बारे में। आप सभी ये जानते हैं कि अभी फिलहाल जो कंट्रोल है पूरा WWE का वो विंस मैकमैन के हाथ में एक बार फिर से धीरे धीरे ज़्यादा जा रहा है। फिलहाल जो NXT एंड UK के शोज होते हैं वो तो ट्रिपल एच के हाथ में, लेकिन आपको बता दूं अभी फिलहाल जब से पॉल हेमन को निकाला है तो आप कह सकते हो एरिक बिशॉफ वगैरह के हाथ में थे या फिर क्यों ब्रूस प्रिशार्ड के हाथ में रॉ नहीं है, बल्कि वो हाथ में भी फिलहाल विंस मैकमैन के। और आपको बता दूं रिसेंटली कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही कि सामने कि विंस मैकमैन के हिसाब से अभी फिलहाल रॉ के एपिसोड में जो टॉप गाय है या फिर कौन टॉप सुपरस्टार है वो और कोई नहीं बल्कि वो हैं द वाइपर विल रैंडी ऑर्टन। एंड रूमर्स के हिसाब से अभी फिलहाल जो विंस मैकमैन है वो यही बात सोच रहे हैं कि ड्रू मैकइंटायर टॉप सुपरस्टार नहीं है रॉ के, बल्कि जो रैंडी ऑर्टन है उन्हें इस तरीके से उन्हें फ्यूड में बिल्ड करना, उन्हें कुछ इस तरीके से मैचेस दिखाने कि वो रॉ के हमें टॉप सुपरस्टार लगे। यानी अभी फिलहाल सबसे ज्यादा भरोसा जो विंस मैकमैन है वो रैंडी ऑर्टन के ऊपर कर रहे हैं, ना कि द स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकइंटायर के ऊपर। बाकी क्या कुछ सोचना गाइस आपका इसके बारे में, जो विंस मैकमैन सोच रहे हैं कि रैंडी ऑर्टन टॉप गाय है रॉ के नो डाउट वो जरूर से है, लेकिन ड्रू मैकइंटायर की क्या ऊपर रखना उन्हें सही हो गया फिर नहीं, नीचे मुझे ऑफकोर्स कॉमेंट के अंदर जरूर बताना। हमारी जो नेक्स्ट अपडेट है गाइस वो इस बार जुड़ी है करंट रॉ टैग टीम चैंपियन स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बारे में। आप सभी ने क्या देखा ये सबसे रॉ के एपिसोड में जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स हैं वो ऑडियंस से इधर उधर हाथ मिलाते हुए जरूर से आ रहे थे, आपको ये बात जरूर से याद होगी। इसके अलावा हमने ये भी देखा था जो डोमिनिक है वो एरिना के अंदर जो क्राउड बैठा था, यानी कि जो NXT के डेवलपमेंट टैलेंट बैठे थे और जो थोड़े बहुत रियल क्राउड बैठे थे उसके अंदर से भागते हुए नजर आए थे। तो यहाँ पर WWE क्या दिखाती है WWE सुपरस्टार एंड ऑडियंस के बीच इंटरेक्शन, आपको ये बात बता दूं जो डोमिनिक क्राउड की तरफ से भागते हुए हमें नजर आए थे ये बात तो WWE की तरफ से ऑलरेडी प्लान थी, लेकिन जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स इधर हाई फाइव वगैरह देते हुए नजर आ रहे थे ऑडियंस के बीच में मैच के बीच में, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी मैं कह सकता हूँ स्क्रिप्टेड नहीं थी और ये कुछ नॉन स्क्रिप्टेड मोमेंट थे जो कि एक्चुअली में स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने किए थे रॉ के एपिसोड के दौरान। और आपको बता दूं ऐसी अपडेट्स आ रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो बैक स्टेज के सारे मेंबर्स हैं वो गुस्सा हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स से क्योंकि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग को ब्रेक किया है और यहाँ पर हाई फाइव वगैरह मिला के कह सकता हूँ सारी ऑडियंस से उन्होंने खुद अपने लिए खतरा पैदा कर लिया, क्योंकि हो सकता है उनमें से किसी को अगर COVID-19 हो वो यहाँ पर स्ट्रीट प्रॉफिट्स को हो जाए फिर पूरे रॉ के रोस्टर को हो जाए, तो सोचो कितना बड़ा खलबली मच जाएगी WWE कंपनी के अंदर। एंड इसी के चलते जो WWE फिलहाल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है स्ट्रीट प्रॉफिट्स के ऊपर। डोमिनिक की बात करें तो डोमिनिक ने आप देखा होगा कि भाई ऑडियंस के बीच से भागते हुए गए थे, ऐसा तो नहीं था कि वो ऑडियंस को धक्का देते हुए इधर उधर जा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर WWE ने खास करके ख्याल रखा था, लेकिन जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने अपनी मनमर्जी चलाई रॉ के एपिसोड में ये सारी चीज़ें किसी को भी पसंद नहीं आई। बाकी गाइस क्या सोचना आपका इसके बारे में, क्या स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने हाई फाइव वगैरह ऑडियंस को देख के सही किया या फिर नहीं, नीचे मुझे ऑफकोर्स कॉमेंट के अंदर जरूर बताना। हमारी जो नेक्स्ट अपडेट है गाइस वो इस बार जुड़ी है विंस मैकमैन के टॉप सुपरस्टार यानी कि द वाइपर विल रैंडी ऑर्टन के बारे में। एंड एक्चुअली में क्या है रैंडी ऑर्टन का सोचना इस बार टोमासो सैंपा के बारे में, जिनके साथ उनका फ्यूड अभी रिसेंटली दिखाई दिया था ट्विटर के ऊपर। तो आपको बता दूं रिसेंटली होता है कि रैंडी ऑर्टन का इंटरव्यू जहां पर ये बात रिवील करते हैं किस तरीके से उनके हिसाब से टोमासो सैंपा के अंदर काफी सारी कैपेबिलिटीज हैं, रैंडी ऑर्टन के हिसाब से टोमासो सैंपा एक ऐसे बंदे हैं जो कि काफी बड़ी मछली है और वो छोटे से आप कह सकते हो पॉन्ड के अंदर फंसी हुई है। इसीलिए रैंडी ऑर्टन चाहते हैं कि टोमासो सैंपा के पास काफी जो कैपेबिलिटीज हैं वो आने वाले टाइम में एक बड़े पॉन्ड के अंदर यानी कि एक बड़ी मछली बड़े पॉन्ड के अंदर भी आ सकती है। और रैंडी ऑर्टन का यहाँ पर कहना यह था कि वो ये चीज देखना चाहते हैं कि जो टोमासो सैंपा आने वाले टाइम में WWE के अंदर बड़ी से बड़ी मछली बने और वो बड़े से बड़े पॉन्ड के अंदर हमें छलांग लगाते हुए नजर आए। तो कुल मिला के घुमा फिरा के उनका कहना यहाँ पर यह था कि अगर वो टोमासो सैंपा के खिलाफ फेस करते तो उनके लिए काफी अच्छी चीज होगी क्योंकि टोमासो सैंपा के अंदर हैं कैपेबिलिटीज एंड टोमासो सैंपा एक बड़े सुपरस्टार हैं जो कि एक छोटी ब्रांड के अंदर फंस के रह गए हैं। फिलहाल ये चॉइस तो खुद टोमासो सैंपा की है कि वो NXT को लीव नहीं करेंगे, अगर वो NXT को लीव करेंगे या फिर NXT से रिटायर होंगे तो वो सीधा WWE कंपनी से पूरे रिटायर होंगे। एंड ऐसा कोई प्लान नहीं है अभी फिलहाल टोमासो सैंपा का कि वो हमें रॉ के मेन रोस्टर या फिर स्मैकडाउन के मेन रोस्टर के अंदर हमें आते हुए नजर आए। खैर गए जिसके बाद हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है फॉर्मर WWE सुपरस्टार के बारे में, जिसने ये बात टीज की है कि वो है खुद मिस्ट्री हैकर। अगर आप सभी को
याद होगा कि जो हीट स्लेटर में WWE की तरफ से फायर कर दिए गए थे, अभी फिलहाल उन्होंने कोई भी इंडिपेंडेंट रेसलिंग प्रमोशन के अंदर अपना डेब्यू वगैरह या फिर साइन इन वगैरह नहीं किए। एंड आपको बता दूं, रिसेंटली जो हीट स्लेटर है उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर एक फोटो पोस्ट की जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हो, जहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, जो मिस्ट्री हैकर का पूरा भेस होता है या फिर जो उनके कपड़े वगैरह होते हैं वो यहां पर पहने रखे हैं हीट स्लेटर ने। और देखने में कुछ ऐसा लग रहा है कि हीट स्लेटर है प्रोबेबली स्मैकडाउन लाइव के मिस्ट्री हैकर। आपको ये बात याद होगी कि जो जेफ हार्डी हैं, शेमस है, वो यहां पर ये बात कहते हैं कि जो मिस्ट्री हैकर या फिर जो भी बंदे ने अलायंस के ऊपर अटैक किया था वो था एक लाल दाढ़ी और लाल बाल वाला बंदा। और आप सभी जानते हो कि हीट स्लेटर है उनका सेम यही है, कह सकता हूं उनके लाल दाढ़ी भी उनके लाल बाल भी हैं, तो प्रोबेबली मैं कह सकता हूं एक थोड़ा सा चांस जरूर से बनता है कि कहीं ना कहीं जो मिस्ट्री हैकर हैं वो जरूर से हीट स्लेटर भी हो सकते हैं। बाकी क्या कुछ सोच रहे हैं आप अपनी पोस्ट के बारे में जो कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाली है, नीचे मुझे ऑफकोर्स कॉमेंट के अंदर जरूर बताना। हमारी यार जो इसके बाद नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो इस बार जुड़ी है द बिग डॉग रोमन रेंस के बारे में एंड विंस मैकमैन के बारे में, क्यों WWE या फिर कौन जो विंस मैकमैन है वो करने वाले हैं फोर्स रोमन रेंस को कि वो जल्दी से जल्दी WWE कंपनी के अंदर हमें रिटर्न करते हुए नजर आए। क्योंकि आपको बता दूं रिसेंटली काफी सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं सामने कि जो बैक स्टेज के सारे WWE के सुपरस्टार्स हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हैं रोमन रेंज एंड सैमी ज़ेन से। अब रीजन ये क्योंकि ये दोनों सुपरस्टार्स अभी फिलहाल WWE से डिमांड करके एक काफी लंबी वैकेशन पर गए हुए हैं एंड बैक स्टेज वाले जो सारे सुपरस्टार्स हैं उनका कहना यह है कि भाई हम लोग पागल थोड़ी हैं कि हम लोग डेली रॉ की टेपिंग्स पर आ रहे हैं, स्मैकडाउन की टेपिंग्स पर आ रहे हैं, तुम हम सभी को छुट्टियां नहीं दे रहे हो बल्कि तुम रोमन रेंज एंड सैमी ज़ेन को छुट्टियां दे रहे हो क्योंकि वो WWE के टॉप सुपरस्टार हैं। एंड इसी के चलते काफी ज्यादा असली में हीट भी हो गई थी बैक स्टेज पर जब काफी ज्यादा गर्मा गर्मी हो गई थी विंस मैकमैन एंड WWE सुपरस्टार्स के बीच। और आपको बता दूं ऐसी रिपोर्ट्स आ रही सामने कि अगर ऐसी आने वाले टाइम में हाल चलते रहते हैं, सुपरस्टार फ्रस्ट्रेट होते हैं रोमन रेंस की इतनी बड़ी वैकेशंस को लेकर, तो WWE जल्दी से जल्दी रोमन रेंस की जो रिटर्न है WWE के अंदर काफी जल्दी हमें प्लान करते हुए नजर आने वाली है। आपको बता दूं इसका रीजन ये है क्योंकि जो WWE वो ये नहीं चाहती कि आने वाले टाइम में जो सुपरस्टार है वो रोमन रेंस से हेट करने लग जाए। आप ये बात जानते हो कि बैक स्टेज या फिर स्मैकडाउन लगे बैक स्टेज पर जो रोमन रेंस है वो एज अ लॉकर रूम लीडर है और अगर लीडर के खिलाफ ही सारे सुपरस्टार्स हो जाते हैं तो WWE के लिए काफी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। और अगर जो सारे सुपरस्टार्स हैं फ्रस्ट्रेटेड हैं रोमन रेंस की लंबी वैकेशंस को लेकर, तो आपको बता दूं रेसल टॉक के हिसाब से भी फिर जो WWE जल्दी से जल्दी आप सभी को रोमन रेंस के रिटर्न करवाती हुई नजर आने वाले हैं, एक तरह का फोर्सफुल रिटर्न हो सकती है रोमन रेंस की WWE कंपनी के अंदर। बाकी मेरे हिसाब से यार WWE सुपरस्टार्स को गुस्सा नहीं होना चाहिए क्योंकि रोमन रेंस के कुछ पर्सनल इशूज थे या फिर उनकी फैमिली के अंदर एक न्यू बॉर्न बेबी हुए थे, उसके बाद उन्होंने काफी लंबे टाइम पर WWE कंपनी से ब्रेक लिया, बीच में उन्हें लुकीमिया वगैरह के कारण ब्रेक लेना पड़ा था, लेकिन तब से रोमन रेंस एकदम रेगुलर WWE कंपनी के अंदर काम कर रहे थे। और अगर इसी इस पर सुपरस्टार फ्रस्ट्रेट होते हैं मुझे ऐसा कोई बड़ा रीजन लगता नहीं। बाकी गाइस क्या कुछ सोचना है आपका इस पूरे मामले के बारे में नीचे मुझे ऑफ कोर्स कमेंट के अंदर जरूर बताना। इसके अलावा आप लोग सोच रहे होंगे कि जो मुस्तफा अली एक्चुअली में वही है स्मैकडाउन लाइक मिस्ट्री हैकर, लेकिन आप हो सकते हो गलत क्योंकि रिसेंटली काफी बड़ी इसको लेकर अपडेट आई है सामने। एंड गाइस अगर आपने रिसेंटली चैनल पर वो वीडियो मिस कर दिया तो आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, मैं आपको जरूर से एक बार सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जाओ एंड उस वाली वीडियो को जरूर से करो चेकआउट। बाकी गाइस ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो ऑफ कोर्स नीचे वीडियो को लाइक के बिना कहीं मत जाना, अगर आप चैनल पर नए तो कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग एंड कमाल की अपडेट्स आगे भी जानने को मिलती रहे। एंड मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी जल्दी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।